हेलो, गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। टुडे इज द हिंदी क्लास। ओके, आज हमारी हिंदी की क्लास का रिवीजन है। मैंने आपको ईवीएस के चैप्टर नंबर सेकंड के रिवीजन वर्क भेजा है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रिवीजन में, जैसे कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने वाले हैं। ओके, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी फर्स्ट है रिवीजन क्लास। ओके, तो हमारी हिंदी से हम करेंगे, हिंदी ग्रामर से। ओके, हिंदी ग्रामर से भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर की हमारे मन में अनेक विचार आते हैं। आपकी चैप्टर का नेम क्या है? भाषा और व्याकरण। विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही दूसरों को समझाना भाषा है। पहले चित्र में आपने देखा कि लड़के ने बोलकर अपनी माँ से एक बात कही तो माँ ने लड़के की बात सुनकर समझी। अब चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे ने क्या बोला, मम्मी आज क्या बनाया है? तो मम्मी ने बोला खीर। तो बच्चे ने बोला तो मम्मी ने सुना, तो यही विचार उसने अपने विचारों को बोला और दूसरों को समझाया। दूसरे चित्र में आपने देखा कि डॉक्टर की क्लिनिक पर एक बात लिखी है, उसे आपने पढ़कर समझा, अतः आप जान गए कि क्या है उसी क्लिनिक में क्या लिखा हुआ है, कृपया शांत रहें। तो उसने अपनी बात लिखकर समझाई। क्या बोली? इसने अपनी बातों को लिखकर समझाया। कई बातें हम अपनी दूसरों को बोलकर समझाते, जैसे कि मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और मैं आपको फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाती हूँ, तो वो हो गया लिखित। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो हो गया हमारा मौखिक, और जो ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगी वो हो जाएगा लिखित। भाषा का प्रयोग बोलकर भी किया जाता है और लिखकर भी, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक क्या होता है? बोल जाने वाली भाषा होती है, और लिखी जाने वाली भाषा क्या होती है? लिखित होती है हमारी। लिखी जाने वाली भाषा। और जो मौखिक है हमारी क्या है? ये बोली जाने वाली भाषा। इसका हम क्या लिखेंगे? बोली जाने वाली भाषा। देखिए मौखिक क्या है? बोली जाने वाली भाषा, और लिखित क्या है? लिखी जाने वाली भाषा। व्याकरण, यह मोहन है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है, यह हिंदी भाषा बोलता है। ये नितेश है, ये बंगाल में रहता है, इसकी भाषा बंगला है। वो उत्तर प्रदेश में रहता है, वो हिंदी भाषा बोलता है। और
वह बंगाल में रहता है तो वो बंगला भाषा बोलते हैं। ये मनप्रीत है, ये पंजाब में रहता है, इसकी भाषा पंजाबी है। तो जो जो जिस जिस राज्य में रहता है उसकी उसकी भाषाएं होती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हर प्रदेश में अपनी अपनी अलग भाषा होती है। प्रदेश, अब देखिए प्रदेश भाषा, गुजरात गुजराती, राजस्थान राजस्थानी, कश्मीर कश्मीरी, तमिलनाडु तमिल प्रदेश भाषा, असम असमिया, बंगाल बंगला, पंजाब पंजाबी, केरल मलयालम। तो ये प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में ये भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। किंतु इनके अतिरिक्त भी अनेक भाषाएं यहाँ बोली और समझी जाती हैं। भाषा कोई भी क्यों ना हो, उसे हमेशा शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों को ही व्याकरण में सिखाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने में ही व्याकरण में सिखाया जाता है। लड़के ने जो बोला वह व्याकरण के नियम के अनुसार गलत है। पिताजी ने उसे शुद्ध रूप से बोलने का नियम बताया। ये सभी एक व्याकरण में सिखाते हैं। ओके, ओके। तो ये है हमारी कुछ भाषाएं। गुजरात, ये क्या है? हमारी एक प्रदेश है और भाषा क्या है? गुजराती। राजस्थान राजस्थानी, कश्मीर कश्मीरी, तमिलनाडु तमिल। अब हमारा अभ्यास कार्य है, राज्यों को उनकी भाषाओं से मिलाइए। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? भाषा, ओके, सो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोल कर या लिख कर दूसरों को समझाना ही भाषा कहलाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़कर बताया, वो क्या हो गया? बोलकर। भाषा किसे किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, अपने अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना, क्या क्या लगता है? समझाना ही भाषा है। आप अपनी कोई भी बात बोलकर या लिखकर ही दूसरों को समझाते हैं ना। आप ऐसा तो नहीं है अगर आप कुछ भी नहीं बोलते और कुछ भी नहीं लिखते और आपके पास सामने वाला समझ जाता है, ऐसा नहीं होता। तो हमारा भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। आपको याद हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? ख, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? मैंने आपको बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं। रिवीजन है तो बहुत ध्यान से करना ताकि एकदम पक्का हो जाए कि हाँ हमें ये चीज बिल्कुल आ गई है। ओके, भाषा के कितने रूप हैं? उत्तर, भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा एंड मौखिक भाषा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं?
दो रूप है। व्याकरण में क्या सिखाया जाता है, व्याकरण में क्या सिखाया जाता है, ये आपका होमवर्क होगा, आपको लर्न करना है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों को ही व्याकरण में सिखाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों को ही व्याकरण में सिखाया जाता है। ओके, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर दो, योर होमवर्क पेज नंबर है आपका 9। ओके, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप हैं। ओके, सो आपको ये अपनी नोटबुक में करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कि आपको लर्न करना है। ओके ऑल, थैंक यू।